far we have studied ohmic and non-ohmic conductors. Now we will study what are VI graphs and what are IV graphs and what inference we can draw from these graphs. So first is VI graph. This is VI graph. तो पहला x axis पे लेते हैं, दूसरा y axis पे लेते हैं हम लोग. तो v को लेंगे x axis पे और i को लेंगे y axis के ऊपर. तो सपोज तो ये आपको एक ओमिक कंडक्टर का ग्राफ दिया हुआ है, बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर इट इज अ ओमिक कंडक्टर, इट इज एन ओमिक कंडक्टर. सपोज तो इस ए के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 5 3 है. 5 3 मींस ऑन एप्लीकेशन ऑफ 5 वोल्ट. 5 वोल्ट अप्लाई करने पे करंट ड्रॉन इन द सर्किट इज 3 एम्पीयर. ऑन एप्लीकेशन ऑफ 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस करंट इज 3 एम्पीयर इन द सर्किट. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 5 3 हो. तो स्लोप इज डिफाइंड एज, जैसे इसको मैं हल्का टिल्ट करता हूं तो इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप और ज्यादा हो गया. तो जैसे जैसे ऐसे इसमें हम दो लाइंस देखें तो Q का स्लोप कम है, P का स्लोप ज्यादा है और इसका स्लोप ऐसे इंक्रीज होता है स्लोप. तो स्लोप इज डिफाइंड बाय tan थीटा. तो स्लोप is defined by tan theta. Tan theta we all know it is perpendicular upon base. तो इसके अंदर perpendicular 3 ampere है, base 5 volt है, तो perpendicular is 3 ampere. इसका perpendicular ये है सामने वाला, and base is 5. ये 3 है, ये value है I की. तो यहाँ पे लिखते हैं I. ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है सिर्फ. तो 3 की जगह में क्या लिखा? I की value put की यहाँ पे. 5 के आपका V है. तो स्लोप इज इक्वल टू आई अपॉन वी. नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर. तो आई की जगह आई लिखा, वी की जगह अंदर लिख दिया आई आर. आई से आई कैंसिल, यहां वन आएगा, इट इज 1/r. तो रेजिस्टेंस इज, इसको आर को यहां ले जाओ, स्लोप को नीचे ले आओ, तो रेजिस्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप, और यू कैन से रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप. कहने का मतलब यह है कि स्लोप कम होगा, जैसे ये वी आई ग्राफ है, वी आई ग्राफ. अब क्यू का स्लोप कम है और पी का स्लोप ज्यादा है, तो जिसका स्लोप कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा इन वी आई ग्राफ. जिसका स्लोप कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अगेन क्यू का स्लोप कम है, स्लोप ऑफ क्यू इज लेस देन स्लोप ऑफ पी. जिसका स्लोप कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है. स्लोप इसका कम है तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. इट मींस रेजिस्टेंस ऑफ क्यू विल बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ पी. सो फ्रॉम द ग्राफ वी कैन इंटरप्रेट विच कंडक्टर विल बी हैविंग मोर रेजिस्टेंस एंड विच कंडक्टर विल हैविंग लेस रेजिस्टेंस. तो क्यू का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा क्योंकि कम स्लोप है, पी का रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है. दिस इज अबाउट वीआई ग्राफ. नाउ व्हाट इन्फ्रेंसेस कैन बी ड्रॉ फ्रॉम आईडी ग्राफ. अब आईडी ग्राफ है ये, तो ये एक्स एक्सिस पे होगा, पहला वाला एक्स एक्सिस पे होता है, दूसरा वाला वाई एक्सिस पे होता है. तो एक्स एक्सिस पे हमने लिया आई और वाई एक्सिस पे लिया हमने वी. अगेन स्लोप इज डिफाइंड एज टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब परपेंडिकुलर ये है और ये जो पोजिशन, ये जो हिस्सा है ये किसका है, वोल्ट का है. सपोज यहां पे 5 वोल्ट है तो ये 5 वोल्ट आ जाएगा. सपोज तो ये आपका 2 एम्पियर है तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 2, पहले एक्स एक्सिस पे चलेंगे फिर वाई एक्सिस पे 2,5. नाउ व्हाट इज द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज 5 वोल्ट तो इसकी जगह लिखेंगे हम V और बेस कितना है 2 एम्पीयर है, इसकी जगह लिखेंगे हम I. सो स्लोप इज V अपॉन I. अगेन फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR. तो I I विल कैंसिल आउट. तो वी कैन राइट स्लोप इज इक्वल टू R और वी कैन से दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्लोप और रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप. Now, what is the meaning of this statement? Suppose तो मैं यहाँ पे एक ग्राफ और ड्रॉ कर देता हूँ.
this we can now erase. A graph or many draw kar diya. This is B, this is C. Now the question is asked ki in the given IV graph, which has more resistance, B or C? अब IV graph की बात करते हैं तो जिसका slope ज़्यादा है, slope ज़्यादा किसका है? C का slope ज़्यादा है, इसका ज़्यादा angle x-axis है, इसका slope कम है B का, तो जिसका slope ज़्यादा होगा, उसका resistance ज़्यादा होगा. Resistance is directly proportional to slope. Slope ज़्यादा होगा, resistance ज़्यादा होगा. Slope कम होगा, resistance कम होगा. So in this graph, which has more resistance, B or C? So we can write as slope of C is greater than slope of B. जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली रिलेशनशिप है इसके अंदर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो स्लोप ऑफ सी, इट मींस रेजिस्टेंस ऑफ सी विल बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी. सो दिस इज हाउ वी स्टडी वीआई ग्राफ एंड आईवी ग्राफ. इस पे बोर्ड के अंदर में दो तीन तरह से क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, वी विल डिस्कस दोस न्यूमेरिकल्स लेटर, बट डेफिनेटली वी विल डिस्कस इट नाउ. Next point is, this is all about VI graph and IV graph. So this you have to remember, in VI graph resistance is inversely proportional to slope. This is the example. And in IV graph resistance is directly proportional to slope. Now next is, variation of I with R. Variation of current with resistance. Potential difference का current से relationship हम पढ़ चुके हैं. Potential difference is directly proportional to current, और vice versa, current is directly proportional to potential difference. Potential difference बढ़ाएंगे तो current बढ़ेगा, potential difference कम होगा तो current कम होगा. That is Ohm's law. अब I और R के बीच में क्या relation होगा? Again it is given by Ohm's law. So we know that V is equal to IR. तो अगर potential constant है, तो I will be equal to V upon R. तो if potential V is constant, मतलब हमने circuit के अंदर battery को change नहीं किया है. Battery अगर 4 volt के, तो 4 volt की battery है. अब हम circuit के अंदर with the help of rheostat resistance कम या ज़्यादा कर रहे हैं. तो current is inversely proportional to resistance. तो what does this means? It means less resistance implies more current in the circuit. Less resistance means collision कम हो रहे हैं, opposition कम है, electrons आ रहे हैं, opposition कम है तो current ज़्यादा जाएगा इसके अंदर. और resistance अगर ज़्यादा है, opposition ज़्यादा है, तो electrons कम flow करेंगे, hindrance आएगी, opposition आएगी, तो current will be reduced. So less resistance means more current in the circuit, and more resistance means less current in the circuit. So how do we vary resistance in the circuit? We vary resistance with the help of a device, rheostat. Means to say, this is battery and this is the symbol of rheostat. This is the symbol of rheostat. Current हम इसको resistance को कम ज़्यादा कर सकते हैं. Battery हमने battery को touch नहीं किया है. Potential difference same है. तो current को कम करेंगे, sorry resistance को with the help of rheostat हम कम करेंगे, तो ammeter reading will increase. और रियोस्टेट के अंदर हम रेजिस्टेंस को कम करते हैं, तो करंट रीडिंग विल इंक्रीज, एंड इफ करंट एंड इफ रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड, द अमाउंट ऑफ करंट विल डिक्रीज, एंड इट विल बी शोन बाय एमीटर. नाउ व्हाट इज रियोस्टेट देन? सो रियोस्टेट इज अ डिवाइस which is used to vary resistance in the circuit
and hence the value of current will be changed in the circuit. So the relationship between I and R is they are inversely proportional provided potential difference is kept constant. Resistance increase karenge, current kam hoga. Resistance ko kam karenge, current will be increased. So this is all about VI graph and IV graph.